शुरू में मैं आप लोगों को हल्का फुल्का ना 2 मिनट इस चैप्टर की अहमियत बताना चाह रहा हूँ। ये चैप्टर पहले फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं हुआ करता था, ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 9 जो है वो भी पहले फर्स्ट ईयर में नहीं होता था। इसी तरह मैट्रिसेस का जो पोर्शन है ये भी पहले फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ करता था। मैट्रिसेस की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन जो पोर्शन आप लोग अब पढ़ने लगे हो ना, चैप्टर नंबर 8 का फंक्शन, पता नहीं नाम क्या है इसका, नाम मुझे खुद ही नहीं पता, फंक्शन एंड ग्राफ इसका नाम है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सेकेंड ईयर पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करनी है। अगर आप कहते हो कि सर सेकेंड ईयर के बाद मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है, मुझे कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कहूंगा यार चैप्टर को नॉर्मल समझो, पेपर में क्लियर कर लो। अगर आप यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर बेसिक है पूरी कैलकुलस की। कैलकुलस अगर आप लोगों ने अभी नाम नहीं सुना हुआ, सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे, इंजीनियरिंग जो मैथ है वो पूरी बेस कर रही होती है कैलकुलस के ऊपर, और जो कैलकुलस है वो बेस कर रही है फंक्शंस के ऊपर। इसको हम प्री कैलकुलस कहते हैं कि कैलकुलस से पहले आपने टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना। मैंने अपने चैनल पे एक कोर्स अपलोड किया है कैलकुलस के नाम से, यूनिवर्सिटी की मैथ की, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है। उसमें अगर आप देखो तो फंक्शन के ऊपर मैंने काफी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आई गेस 10 से 12 तो सिर्फ फंक्शन के ऊपर मैंने 10 के करीब फंक्शन के ऊपर लेक्चर अपलोड किए हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं जो सेकेंड ईयर के मेरे बच्चे हैं ना उनको भी मैं इस ग्रुप में ऐड करूंगा, सिर्फ नेक्स्ट क्लास के लिए शायद, क्योंकि उसमें जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर वाले बच्चों ने भी नहीं पढ़ा हुआ। हालांकि सेकेंड ईयर की बुक में भी ये फंक्शन का टॉपिक है, लेकिन आप लोगों की बुक में ऐसे ऐसे उन्होंने बातें डिस्कस की हुई है जो सेकेंड ईयर की बुक में भी नहीं है। अभी नेक्स्ट ईयर चेंज होगी शायद उसके अंदर आ जाए, तो शायद मैं अपने सेकेंड ईयर के बच्चों को भी आप लोगों के साथ मर्ज कर दूं अगले 1-2 क्लासेस के लिए, क्योंकि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अगर इसको फर्स्ट प्लेस पे समझ लिया, मतलब अभी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा फर्स्ट ईयर का पेपर निकलेगा सही। मुझे नहीं पता पेपर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पेपर पैटर्न पहली दफा आएगा, पहली दफे आप लोगों का एग्जाम होगा, मे बी 5 नंबर, मे बी 10 नंबर, 10 नंबर से ज्यादा तो इंपॉर्टेंस नहीं होगी ना, हार्डली 10-12 नंबर की इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि बाकी चैप्टर भी हैं। लेकिन ये आप 10-12 नंबर नहीं देखो, सेकेंड ईयर में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी और यूनिवर्सिटी लाइफ में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। बताने का मकसद ये कि इस चैप्टर को स्किप नहीं करना या इस चैप्टर को समझने की कोशिश करना, कोई चीज मुश्किल लगे तो समझो, बजाय कि छोड़ दो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर 9 जो है उसकी खास अहमियत नहीं है, बस शुरू के पोर्शन की अहमियत है, बाकी चैप्टर की अहमियत नहीं है। इसी तरह चैप्टर नंबर आई गेस 5 है या 6 है, मिसेलेनियस सीरीज जो है उसकी भी इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। चैप्टर नंबर 4 हो गया सीक्वेंस सीरीज, ठीक है अच्छा है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है सेकेंडरी में भी और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर भी, तो बेहतर है अभी सीख लो, मामला आगे जाके आसान हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी मैंने मोटिवेशन दी आप लोगों को कि अगर आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नॉर्मली इंटरमीडिएट का जो टीचर है, चाहे वो कॉलेज में हो, आप लोगों को आइडिया होगा पढ़ते रहते हो, कॉलेज का टीचर हो या सेंटर का टीचर हो, वो आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस कम ही बता रहे होते हैं। हाँ, टॉपिक की इंपॉर्टेंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं कि पेपर में इतने नंबर है, इसमें इतने नंबर है, वो आपको ये नहीं बताते कि आगे जाके इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मुझे बेहतर पता है क्योंकि मैं मैथ के अंदर ही मास्टर्स कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट होने वाला है, मुझे बेहतर पता है कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक है जो आगे जाके लाजमी आप लोगों को करने पड़ेंगे। खैर मैं बहुत हो गया, अब जरा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 नाम मैं लिख देता हूँ इसका ताकि आप लोगों के भी जहन में रहे, फंक्शंस एंड ग्राफ। अभी तक आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हुई है ना, जैसे अगर आप पहले देखो आपने सिंपल एक पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इसी तरह कोई आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी हो 2x+3, जिनको आप सॉल्व करते थे ना, 2x+3 इक्वल टू y, बिलफर्द अगर ये आ जाए, कहने का मतलब आपने जस्ट इनकी इक्वेशन देखी है, अब आपको इनके ग्राफ देखने होंगे। ग्राफ का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो टॉपिक है यार जो इस लेवल पे बाहर का जो बच्चा वो पढ़ रहा होता है। मुझे बड़ा दुख होता था कि हमारे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे ना, सिंध बोर्ड के जो बच्चे थे, वो इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ते थे, वो सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, और सेकेंड ईयर में भी अल्लाह माफी करे जिस तरह पढ़ाया जाता था और जो उन्होंने लिखा होता था। तो जो बाहर के बच्चे थे वो इस लेवल पे, 11th क्लास के लेवल पे ये चीजें पढ़ा करते थे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप लोगों के लेवल पे भी आ गया। तो ये समझ लो आप लोगों की एजुकेशन और बाहर की एजुकेशन सेम किस्म की मैथ आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो थोड़ी टफ भी लगेगी। मैं खड़ा हूँ समझाने के लिए, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। तो ये ग्राफ आपने चीजों के सीखने हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह बन रहा होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किस तरह होता है, अच्छा एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरह होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे लेकिन उनके ग्राफ आप पढ़ोगे अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आने से पहले जरा फंक्शन की मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, बहुत बेसिक सी बात है, आपको ये फंक्शन का मतलब समझ आ जाएगा।
इंग्लिश में तो फंक्शन आप कहते हैं ना, कोई चीज काम कर रही है, क्या उसका फंक्शन है, क्या मकसद है उसका, उसी से रिलेटेड मैथ में भी है। आप इसको इस तरह समझो कि दुनिया में ना, अगर मैं आप लोग के लेवल पे भी बात करूं, तो दो चीजें होती हैं, एक को आप कहते हो इंडिपेंडेंट, एक को आप कहते हो डिपेंडेंट। ये चीजें आपने रियल लाइफ में बहुत देखी हैं। छोटा बच्चा जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर। तो माँ बाप है इंडिपेंडेंट, बच्चा जो है वो डिपेंडेंट है। इस टाइप की बेहद एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इसी तरह अगर आप इसको मैथ के अंदर लेकर आओ, तो बचपन से तो नहीं, खैर किसी को यहाँ पे पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता पाई है? एक्सीलेंट, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इसमें देखो तो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नजर आ रहा है। जो रेडियस है ये इंडिपेंडेंट है और जो एरिया है डिपेंडेंट है। क्यों? रेडियस की वैल्यू आप अपने हिसाब से चूज करते हो। जब आप सर्कल ड्रॉ करते थे तो कोई आपको ये बोलता था कि एरिया इसका 5 होना चाहिए, आप बताओ रेडियस क्या होगा इसका, उस हिसाब से सर्कल ड्रॉ करो। नहीं, आप पूछते थे मुझे रेडियस बताओ, मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। तो आपको कोई बोलता था कि यार 5 रेडियस होना चाहिए, तो आप अपनी कंपास 5 खोलते थे और एक सर्कल बना दिया करते थे। तो कहने का मतलब क्या था, रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप अपनी तरफ से उसको पकड़ते थे कि रेडियस 5 होना चाहिए, रेडियस 10 होना चाहिए, और वो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट चीज क्या है, रेडियस, जो अपने हिसाब से आप पुट करते जा रहे हो, लेकिन जो आपको एरिया का आंसर मिल रहा है वो अपने हिसाब से नहीं मिल रहा। जो आप रेडियस पुट करोगे उस हिसाब से एरिया आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। ठीक है, इस टाइप की आप बहुत एग्जाम्पल ले सकते हो कि जिसमें आपको नजर आए कि कोई चीज इंडिपेंडेंट होती है, जो आप अपने हिसाब से चेंज करते हो, और फिर आप देखते हो कि दूसरी क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ रहा है। जो दूसरी क्वांटिटी है उसको आप क्या बोलोगे, डिपेंडेंट बोलोगे। तो मेन चीज आपने सबसे पहले देख ली कि दो क्वांटिटीज होती हैं, एक को आप इंडिपेंडेंट कहते हो, एक को आप डिपेंडेंट कहते हो। रियल लाइफ भी देख, जैसे गॉड है, आप अपना और अल्लाह ताला का ताल्लुक देख लो कि आप जो है वो डिपेंड कर रहे हो अपने गॉड के ऊपर। गॉड किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है। तो इसी को आप आगे समझो, आगे मैं एग्जाम्पल दूंगा तो मजीद आपको बात समझ आएगी अपना और गॉड के रिलेशन का। एक और बात बड़ी अच्छी होगी वहां पे। तो ये दो बातें हमने समझ ली। उसके बाद अब जरा ये फंक्शन के ऊपर आओ। फंक्शन से पहले एक और वर्ड है जो आपकी बुक में भी डिस्कस किया हुआ है, जिसको आप कहते हो रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ताल्लुक। जैसे और आपके फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो आपके अब्बा जान है। अब हो तो दोनों इंसान ना कुछ तो ताल्लुक है। इंसान तो आपको हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो अपने फादर से ताल्लुक है वो एक यूनिक है, अलग ताल्लुक है। ठीक है, एक अलग किस्म का रिलेशन है। तो अब रिलेशन तो आपको नजर आ रहा है उसमें। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशन किसी अपने दोस्त से, ठीक है, इसी तरह मैथ के ऊपर ले आओ कि रिलेशन क्या होता है, एक ताल्लुक होता है, एक रूल होता है। जैसे आप इसमें देखो, आर और ए के दरमियान कोई रिलेशन है ना, जैसे ये एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये भी तो हो सकता है बिलफर्ज। आपने रेडियस और एरिया को किस हिसाब से आपस में ताल्लुक कायम किया हुआ है, आपने क्या बोला हुआ है कि एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर, तो ये एक किस्म का रिलेशन है। इसी तरह आप बोलते हो कि नहीं, एरिया जो है ना वो है पाई अपॉन 2 r 4। बिलफर्ज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो अभी अलग किस्म का ताल्लुक है। इसमें क्या है कि रेडियस की पहले पावर 4 करोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 2 से। ये अलग किस्म का ताल्लुक है। तो जो रिलेशन होता है ना, ये एक ताल्लुक होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान। इंडिपेंडेंट रेडियस है, डिपेंडेंट एरिया है, इनके दरमियान ताल्लुक आपको क्या मिल रहा है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप स्क्वायर का एरिया देखो, अगर स्क्वायर है कंसीडर कर लो उसकी एक लेंथ एक्स है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब ये भी एक ताल्लुक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल एरिया है, लेकिन इनके दरमियान ताल्लुक क्या है, इनके दरमियान ताल्लुक है कि एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसी तरह रेक्टेंगल का देख लो, तो आपको एक रिलेशन नजर आएगा, एक ताल्लुक, जिसको मैथ में आप रूल भी कहते हो, एक रूल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो उसको आप सिंपल क्या बोलोगे, रिलेशन बोलोगे। अब कंसिडर कर लो आपके सामने सारे रिलेशन लिखे हैं, जितनी भी इक्वेशंस आपने देखी हुई है ना, उन सबको आप रिलेशन ही कहते हो। जितने इक्वेशंस आपने देखी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फलाना, 2x+3y, जो भी है, वो सब रिलेशन होते हैं। अब कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको आप फंक्शन बोलते हो। अब ऐसे कौन से होते हैं, ऐसी कौन सी बात है कि किसी रिलेशन को आप फंक्शन बोल रहे हो? तो वो दो बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक चीज लिखता हूँ कि एक है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। वैसे अगर आप देखो, रिलेशन है ये, दोनों रिलेशन है, रिलेशन इज ताल्लुक भाई, एक्स और वाई के दरमियान ताल्लुक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे भी, और इसमें भी एक्स और वाई के दरमियान आपको ताल्लुक नजर आ रहा है, आपस में रिलेट हुए हैं ना, तो दैट्स इट, रिलेशन तो है उनके दरमियान। लेकिन इनमें से एक रिलेशन जो है उसको आप फंक्शन बोलोगे। क्यों बोलोगे फंक्शन? फंक्शन जो है वो ऐसा रिलेशन होता है
कि जिसमें जब आप एक वैल्यू पुट करते हो ना, जैसे अभी मैं बात करूं आपसे कि ये जो है इसको जरा देखते हैं, एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो इनपुट, एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो आउटपुट। जो इनपुट है वो एक्स है, जो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट को आप अपने हिसाब से पुट करते हो ना। तो आप एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल पुट करना चाह रहे हो टू, एक्स की जगह पे आप टू पुट कर दो, तो वाई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? फोर मिलेगी। तो एक्स अगर आपने टू पुट किया, वाई आपको क्या मिला? फोर। तो आप क्या बोलोगे? मैंने इनपुट किया है टू और मुझे आउटपुट क्या मिला है? फोर। सिंपल लैंग्वेज में तो अगर आप किसी रिलेशन के अंदर एक इनपुट करो और आपको आउटपुट भी एक ही मिले, तो उस रिलेशन को आप फंक्शन कहते हैं। आपने एक इनपुट किया है, आउटपुट भी आपको एक मिलना चाहिए, वो रिलेशन फंक्शन कहलाया जाएगा। अब आपने एक एग्जाम्पल तो देख ली कि एक इनपुट किया था और एक ही आउटपुट मिला। क्या कोई ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें एक इनपुट करो और दो आउटपुट आ जाए? वो ये एग्जाम्पल है। अभी जरा देखते हैं, आप यहाँ पे क्या करो बिलफर्ज, आप कहते हो सर एक्स की जगह पे मैं फोर पुट करता हूँ। तो आपने इनपुट क्या किया? फोर। अब जरा देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट करते हो, तो वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और फोर का रूट क्या होता है? टू के बराबर। तो आपने यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट किया था फोर, और आपको आंसर क्या मिला है? आपको आंसर मिला है प्लस माइनस टू। तो आपने पुट किया एक और आउटपुट आपको कितने मिले? दो। ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए शर्त ही होनी चाहिए कि अगर आप एक पुट करो तो एक ही आपका आउटपुट मिलना चाहिए, जैसे ये था। तो ये रिलेशन जो है ये फंक्शन कहलाया जाएगा, जबकि ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा, इसको जस्ट आप रिलेशन ही बोलोगे। मुझे बताओ रिलेशन फंक्शन का समझ आया सबको? यस एक एग्जाम्पल दूंगा, इसके बाद तो कंफ्यूजन रहेगी नहीं। रियल लाइफ के आपके एग्जाम्पल है कि बिलफर्ज कंसिडर कर लो, ये आपके हैं फादर और ये है उनके सन, कंसीडर कर लो तीन सन है। सही है, आप देखो कि कंसीडर कर लो, अभी इनपुट हम फादर को लेते हैं, आउटपुट इसको लेते हैं। तो अगर आप एक इनपुट कर रहे हो, मतलब अगर आप फादर देख रहे हो, तो फादर के तीन सन है, मतलब आउटपुट कितने हैं? तीन है। तो ये जो रिलेशन है फादर का सन के साथ जो रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के तीन आउटपुट आपको मिल रहे हैं। ये जो ताल्लुक है इसको आप फंक्शन नहीं बोलोगे। लेकिन अगर आप सन का ताल्लुक देखते हो कि ये इसको इस तरह लिखो, अब मैं सन का ताल्लुक फादर से ले रहा हूं, तो जो पहला बेटा है इसका ताल्लुक फादर से एक ही है, मतलब इस बेटे का एक ही फादर है। अगर आप इनपुट कर रहे हो S1, तो आउटपुट क्या मिलेगा? एफ ही मिलेगा, एक ही फादर है। तो जो सन का फादर से रिलेशन है उसको आप बोलोगे फंक्शन, जबकि फंक्शन का जो ताल्लुक, सॉरी, फादर का जो ताल्लुक है सन से, उसको आप बोलोगे रिलेशन, क्योंकि एक इनपुट के डिफरेंट आउटपुट आएंगे। और इसी को एग्जाम्पल आप अपने और अल्लाह ताला के ताल्लुक से ले सकते हो, कि जो अल्लाह ताला है उसके डिफरेंट मखलूकात हैं। तो इनपुट अल्लाह ताला इंडिपेंडेंट, लेकिन आउटपुट आपको इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो वो जो रिलेशन है वो रिलेशन ही कहलाया जाएगा। लेकिन आपका रिलेशन अपने गॉड के साथ, ये फंक्शन है, क्योंकि आपका एक ही गॉड है। अगर आप अपने आप को इनपुट समझ रहे हो, तो एक ही आपको आउटपुट, मतलब एक ही गॉड मिलेगा आपको। तो ये जो ताल्लुक है ये क्या होगा? फंक्शन होगा। मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। बहुत तो ये बेसिक बातें तो आप लोगों ने देख ली है। क्या सीखा आप लोगों ने? बातों बातों में आपने काफी बातें सीख ली हैं। एक तो आपने देख लिया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। मैथ में आप जो एक्स है ना, इसको इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंट करते हो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो वाई जो है ना, इसको आप डिपेंडेंट लेते हो, ठीक है। इनके दूसरे नाम भी होते हैं कि एक्स को आप इनपुट कहते हो, वाई को आप आउटपुट कहते हो, ठीक है। मैथ के अंदर आप एक्स को इनपुट और वाई को आउटपुट लेते हो, जब एक्स और वाई होंगे। नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाओगे, वेरिएबल चेंज होंगे, तो उसमें कैसे पता चलेगा, वो बाद की बात है, उसको अभी छोड़ दो। लेकिन आप लोगों में अभी एक्स को इनपुट लिया जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट, और वाई को आउटपुट लिया जाता है। ये बात सीख ली आपने। उसके बाद आपने फंक्शन देख लिया कि फंक्शन क्या होता है, कि अगर आप एक इनपुट करो आपको एक ही आउटपुट मिले। फंक्शन के अंदर दूसरी डेफिनेशन भी होती है। दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि मतलब दूसरा पॉइंट भी होता है। एक पॉइंट ये होता है ना कि अगर आपने एक वैल्यू पुट की, आपको आंसर भी एक मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो, आपको आंसर लाजमी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको आंसर ना मिले। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अच्छा, फंक्शन के लिखने का तरीका होता है, ये जो वाई है ना, वाई को आप इस तरह भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते कैसे हैं? वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है कि इसको इस तरह बोलेंगे, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो इस तरह बोलेंगे। वैसे वर्बली आप किस तरह बोलोगे? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पढ़ोगे आप इस तरह?
मतलब क्या है? मतलब है वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। इसका मतलब है वाई डिपेंड ऑन एक्स, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। तो आप वाई भी देखोगे, कहीं वाई लिखा होगा और इसी चीज को कहीं इस तरह भी लिखा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरीके से बात लिखी जा सकती है, वाई को आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। तो ये चीज मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखी है, मैं वाई भी लिख सकता था, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता था। अगर आप इस फंक्शन को अभी ऑब्जर्व करो तो ये फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। क्यों नहीं कहलाया जाएगा? बेशक आप एक इनपुट कर रहे हो, आपका आउटपुट एक ही मिलेगा, करके देख लो। मैं यहाँ पे टू पुट करूंगा, आंसर मुझे 1/2 मिलेगा। मतलब एक्स की जगह पे जब आप टू पुट करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 1/2। आप एक्स की जगह पे 3 पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1/3। एक इनपुट कर रहे हो, आउटपुट एक ही मिलेगा। लेकिन पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट ये है, क्या हर इनपुट का मुझे आउटपुट मिल रहा है? नहीं, इसमें एक ऐसी वैल्यू है कि जिसका आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा। वो कौन सी वैल्यू, को बता सकता है? जीरो एक्सीलेंट भाई, जीरो जो है उसका मुझे आउटपुट मिल ही नहीं रहा। मैं जब यहाँ पे जीरो पुट करूंगा, ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 जो है ये बच्चों अनडिफाइंड फॉर्म है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। मैं थोड़ी देर बाद, मुझे मौका मिला तो मैं इसको भी डिफाइन बताऊंगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अभी मैं बताना नहीं चाह रहा, वरना टॉपिक फिर मिक्स हो जाएंगे सारे आपस में, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये समझो कि 1/0 अनडिफाइन है, इसका आंसर किसी को नहीं पता। सिंपल लैंग्वेज में अभी आप इस तरह समझ लो। तो कहने का मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा और मुझे आउटपुट मिलेगा ही नहीं उसका कुछ, तो ये तो फंक्शन नहीं कराया जाएगा। दैट्स वाई जब भी आप इसको देखते हो ना, तो इसके साथ ये चीज लिखी जाती है। ये चीज लिखने के बाद ना इसके आगे लिखा जाता है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर आपने इसको फंक्शन बनाना है ना, आपको जीरो को निकालना पड़ेगा। आप कहोगे कि यार इनपुट जो है वो जीरो के अलावा कुछ भी पुट कर दो, जीरो नहीं पुट करना। तो जब आप जीरो को निकाल दोगे ना, अब ये फंक्शन है। तो जीरो को निकाल दिया आपने, अब जो भी वैल्यू पुट करोगे वो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी कि हर इनपुट का एक ही आउटपुट होगा और हर इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, जीरो का आपको निकालना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट होते हैं जो फंक्शन की डेफिनेशन में आपको पता होने चाहिए। सही। अच्छा, ये नाम मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक्स है ना, इसके डिफरेंट नाम है, जरा सीख लो अभी से। एक्स को सबसे पहली बात आपने देखी, एक्स रिप्रेजेंट करता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो इनडिपेंडेंट भी बोला जाएगा इसको, कहीं इसको इनपुट भी बोला जाएगा, अच्छा कहीं इसको डोमेन बोला जाएगा। आपने अगर कभी सुना हो लोगों को, जो ऑफिस के लोग या नॉर्मली लोग बोल रहे होते हैं कि यार ये मेरे डोमेन के अंदर नहीं है। डोमेन मतलब यार ये मैं कर नहीं सकता। कोई अगर जुमला बोले ना, यार ये मेरे डोमेन के अंदर नहीं है, इसका मतलब कि यार ये मैं कर नहीं सकता काम, ये मेरे जो मेरी सेफ्टी जोन है उसके अंदर ये काम आ नहीं सकता। तो डोमेन मतलब इनपुट, इनपुट इससे रिप्रेजेंट करते, तो ये मैं नहीं कर सकता, मतलब ये इनपुट, ऐसा मुझसे काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डोमेन का वर्ड भी यूज किया जाता है, इनपुट का, इनडिपेंडेंट का, ये एक ही वर्ड है। और एक और चीज भी यूज की जाती है, प्री इमेज। इमेज होती है आउटपुट, प्री इमेज क्या आपने पुट क्या किया था, इनपुट क्या आपने किया था। तो इनपुट को आप बोलोगे प्री इमेज, और जो आउटपुट है वो क्या कहलाया जाएगा? इमेज कहलाया जाएगा। तो ये एक्स के नाम है। अब जरा वाई के नाम देख लो, वाई को आप डिपेंडेंट भी बोलते हो, वाई को आप आउटपुट भी बोलते हो, डोमेन, और वाई को आप क्या बोलते हो? रेंज। रेंज का वर्ड जो है ये वैसे इंग्लिश में तो आप कुछ और चीज यूज कर रहे हैं, रेंज का मतलब आप कहते हो कहाँ से लेके कहाँ तक। जैसे अगर आप मोबाइल लेने जाओ तो कोई आपसे पूछता है रेंज क्या है आपकी, आप बोलते हैं यार 20,000 फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब 20,000 का मतलब कि 15-20 के दरमियान आप मुझे मोबाइल दिखा दो। इंग्लिश में तो इसका वर्ड ये यूज किया जाता है मतलब इसका, लेकिन मैथ में अगर आप रेंज यूज करोगे तो रेंज का मतलब आउटपुट, वाई वैल्यू जो है उसकी बात की जा रही है। तो जरा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और रेंज को मतलब वाई वैल्यू को आप इमेज भी बोल सकते हो। प्री इमेज होगा एक्स, और इमेज क्या होगा? वाई। और अभी जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो इसका एक और नाम भी होता है, एक्स का एक और नाम होता है जिसको आप कहते हो एप्सीसा, और इसको आप बोलते हो ऑर्डिनेट। ये नाम आप लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर में जाके। तो अगर ये आप लोग ना भी सीखो तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऊपर के चार हैं ये आप लोगों की बुक में यूज भी हुए हैं, आपको पता भी होने चाहिए, ये सब चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। नाम भी क्लियर कर दिए मैंने इसके। अब जरा देख लो कि फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हो, इनपुट आउटपुट इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, दो तरीके ज्यादातर हम यूज करते हैं, जैसे आप इनपुट आउटपुट को लिस्ट बना के लिख रहे होते हो। वो ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें मुझे पता है कि अगर मैं एक्स की जगह पे 1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा?
1 ही के बराबर होगा, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही आउटपुट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 पुट करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, नाइन पता चलना चाहिए ना, जिंदा हो सारे के सारे। तो ये जो लिखने का तरीका है, इस तरह भी आप लिख सकते हो फंक्शन को। तो मैंने कंप्लीट कर दी बात पूरी। क्या आप क्या करो, आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हो, सेट की फॉर्म में इसको आप लिखते हो, और ये छोटे छोटे से ना ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अभी मैं बताना नहीं चाह रहा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अगेन क्योंकि टॉपिक इतने डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, मैं अगर छोटी छोटी चीज बताने लग गया तो फंस जाओगे। नाम याद रख लो, बाद में कभी पूछ लेना, या अभी आएगा ये सेकेंड ईयर में तो बहुत काम की चीज है, लेकिन अगर मौका मिले बता दूंगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अभी ये समझ लो कि ऑर्डर्ड पेयर को ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करते हो, ये जो राउंड ब्रैकेट होती है ना, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो आप क्या करते हो, एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हो और उसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे होते हो। ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, ये इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो पहली चीज है इसको आप क्या बोलोगे, ये इनपुट होती है, और दूसरी नंबर जो है ये आउटपुट होता है। तो इसमें 1 पुट किया तो आउटपुट 1 मिला, 2 इनपुट आपने किया तो आउटपुट 4 मिला, 3 इनपुट किया तो आउटपुट आपको क्या मिला, 9 मिला। इस तरीके से आप बोल रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ, अच्छा। तो एक लिखने का तरीका ये है, इनपुट आउटपुट को एक इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसको हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म, कि लिस्ट करके आपने पूरा लिखा है। एक और फॉर्म होती है जिसको आप कहते हैं मैपिंग डायग्राम, जो बुक में आप लोगों के बहुत जोरों शोर से उन्होंने मेंशन की हुई है, मैपिंग डायग्राम। आप इस डायग्राम के जरिए से भी ये इनपुट आउटपुट को लिख सकते हो। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहला सेट जो होता है ये इनपुट का होता है, नॉर्मली इनपुट को आप कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, और जो आउटपुट है उसको आप कैपिटल वाई से करते हो। अच्छा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है? जैसे मैं भी पहले लिख देता हूँ, आप लोगों को फिर बताता हूँ। 1, 2, 3, और इसके अंदर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 25, 16, इस तरह बोले देते हैं। अब देखो, ये जो कैपिटल एक्स होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट के सेट को। अब देखो, इनपुट का कोई सेट है ना, जैसे ये फंक्शन था, इसमें मैंने एक्स की जगह पे इनपुट करना है, लेकिन इनपुट मैं कहां से करूं, ये तो किसी ने बताया ही नहीं है। इनपुट पता है इनपुट करना है, लेकिन कहां से करो। नॉर्मली हम इनपुट करते हैं रियल नंबर में से, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर देते हो, तो इसका मतलब इनपुट का सेट यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर में से कुछ भी आप पुट कर दो। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने छोटा फंक्शन बनाना है ना, अब मैं रियल नंबर की तो बात नहीं कर रहा, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ अभी। तो ये जो सेट है ना एक्स, ये इनपुट के सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये इनपुट का सेट मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना, ये आपने इनपुट करना है, 1, 2, 3, ये आपने इस फंक्शन के अंदर इनपुट करना है। तो जो एक्स का सेट है ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, और ये जो वाई का सेट है ये रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। तो आउटपुट क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 25 आ सकता है, 16 आ सकता है। अभी इस दूसरे सेट को थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि इससे मजीद मैंने बातें बतानी है, अभी इसको ज्यादा सोचो ना, पहले इस पे आ जाओ, इसको समझ लो कि एक्स रिप्रेजेंट करता है इनपुट के सेट को। तो स्मॉल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 जो है ये स्मॉल एक्स है, 2 जो है ये स्मॉल एक्स है, 3 जो है स्मॉल एक्स है। तो कहने का मतलब कैपिटल एक्स जो है वो इनपुट का पूरा सेट है, और इनपुट के हर हर एलिमेंट को आप स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। वही पुट करते हो ना, कि एक्स की जगह पे आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, तो वो जो एलिमेंट्स है उनको आप स्मॉल एक्स से करते हो, और जो पूरा इनपुट का सेट है उसको आप कैपिटल एक्स से कर रहे होते हो। ये बेसिक सी बात है। अच्छा, आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप कहोगे कि जब मैंने 1 पुट किया था तो मुझे आंसर मिला था 1, आपने 1 से एरो यहाँ 1 तक लिया है। जब आपने इनपुट किया था 2 तो आउटपुट क्या मिला था, 4, आपने इस तरह एरो लगा दिए। जब मैंने 3 पुट किया था तो मुझे आउटपुट क्या मिला था, 9। तो सेम ये जो फंक्शन आपने इस फॉर्म में लिखा है ना, इसको आप मैपिंग डायग्राम में इस तरह भी लिख सकते हो। इनपुट और आउटपुट को आपस में आप एरो लगा के बता दो, और अब ये सेंस खुद बना रही है कि 1 पुट करोगे 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे 4, 3 पुट करोगे 9। तो इस तरीके से भी फंक्शन के इनपुट आउटपुट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां तक मुझे बताओ, मसला क्लियर है, कोई सवाल? नो सर, आपने 25 और 16 क्यों लिखा था? ये वो अगली बात में बताने लगा इससे, ये मैं 1625 भी लिख सकता हूँ, आप मर्जी कुछ भी लिख सकते हो, मैं अगली बात यही बताने लगा हूँ। अच्छा, अब आपने अभी तक जो मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई हैं, एक है डोमेन, एक है रेंज, दरमियान की चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई, और मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं एक ऑर्डर वाइज लेके जा रहा हूँ। टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि जो सीख लिया वो पढ़ा दो, एक तरीके से आपको लेके जाना है ताकि अगले के दिमाग में ना बात समझ आ जाए, वरना वो बेचारा कंफ्यूज ही हो जाएगा जब पहली दफा पढ़ेगा।
तो ये बातें समझने के लिए थोड़ी इजी थी, मैंने आप लोगों को इतनी बताई थी। अब थोड़ा यहां तक पहुंच गए हो ना, अब इससे आगे जाते हैं कि इनके दरमियान की भी एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो कोर डोमेन। अभी कोर डोमेन क्या चीज है? डोमेन का मतलब इनपुट, रेंज का मतलब आउटपुट। तो ये कोर डोमेन का क्या मतलब बनेगा यहाँ पे, जरा इसको समझ लेते हैं। कोर डोमेन का मतलब सिंपल ये है कि आप की एक्सपेक्टेशन, सिंपल लैंग्वेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि आउटपुट क्या आ सकता है। जैसे कैसे एग्जाम्पल दूं मैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आपको क्यों बोले कि यार इनपुट इसके अंदर क्या होगा, मतलब जो एक्स है वो इनपुट क्या होगा। आप बोलोगे एक्स जो है वो रियल नंबर है, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। और अगर आपसे कोई बोले कि यार यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, तो आप बोलोगे यार आउटपुट भी कोई रियल नंबर ही आएगा। जब आप रियल पुट कर रहे हो तो आंसर में भी आपको कोई रियल ही मिलेगा, तो आप बोलोगे यार वाई जो है, जो आउटपुट है, ये कैपिटल एक्स लिखना चाहिए वैसे। आपसे क्यों बोलेगा यार एक फंक्शन साइन है इसका इनपुट क्या होगा, आप बोलोगे यार कोई भी रियल नंबर पुट कर दो। तो जो इनपुट का सेट है वो क्या होगा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, जो स्टाइलिश सा ई लिखा हुआ है ना बिलोंग्स टू, तो जो इनपुट का सेट है ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दोगे। तो मेरे वो आपसे नेक्स्ट सवाल पूछेगा यार इसका आउटपुट क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे यार आउटपुट भी कोई रियल नंबर ही आ सकता है इसका। ठीक है, ये आपने लिख दिया, लेकिन ये जो चीज आपने लिखी है ये आउटपुट नहीं लिखी। जरा फर्क समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। ये जो आपने चीज लिखी है आउटपुट नहीं लिखी, आपसे किसी ने बोला था कि आउटपुट क्या आ सकता है, आपने जवाब ही दिया था कि यार कोई रियल नंबर आ सकता है। जरा उर्दू समझना, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि कोई भी रियल नंबर आ सकता है, हकीकत में क्या आ रहा है वो फर्क है। एक चीज होती है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये चीज आ सकती है, लेकिन हकीकत में क्या चीज आई है, इन दोनों में फर्क होता है। यही फर्क है रेंज और कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन एक ऐसा सेट होता है कि जिसमें आप बोलते हो कि यार मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये चीजें आएंगी, जबकि रेंज क्या है, जो एक्चुअल में चीज आ रही होती है। जैसे मैं इसको यहां पे समझाता हूं कि एक बंदे ने बोला कि यार आउटपुट आपका रियल नंबर में से आ सकता है, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना साइन, आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, या इसको छोड़ो ये तो मुश्किल एग्जाम्पल हो जाएगी ना, उसी की ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना आप लोगों को आता है, कितना मैट्रिक में पढ़ा है, तो शायद थोड़ा कॉन्सेप्ट ना आता, इसी की बात ले लेते हैं। क्या बोलो कि यार कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो और जो आउटपुट है यार वो कोई भी रियल आ सकता है, लेकिन अगर हकीकत में आप देखो ना तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आउटपुट आ ही नहीं सकता। क्या इसका आंसर कभी नेगेटिव हो सकता है? सोचो जरा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इसका आंसर। इसका मतलब जो एक्चुअल में इसका आउटपुट आएगा ना वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। जब भी आप इसके अंदर कुछ पुट करोगे स्क्वायर करने के बाद उसको पॉजिटिव कर देगा। तो कहने का मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कि कोई भी रियल नंबर इसका आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर नहीं आ सकते इसके अंदर। तो कहने का मतलब कोडोमेन क्या कहलाया जाएगा, रियल नंबर, जबकि एक्चुअल में जो आपके आउटपुट आएंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये सेट जो है ये रेंज होगा जिसको आप आउटपुट बोलोगे, और ये जो है इसको आप बोलोगे कोडोमेन, कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या आउटपुट आ सकता है। वही बात है बिलफर्ज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको, एक काम करता हूँ मैं इसको, इनको एलिमेंट को मिटाता हूँ और वाई को मैं जरा इस तरह लिखता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो वाई को लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक आउटपुट का सेट बता दिया। तो जो पूरा वाई सेट है ना, ये बेसिकली आउटपुट नहीं होता, ये बेसिकली कोडोमेन होता है। आप ये बोलते हो कि यार इन्हीं 9 एलिमेंट में से कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा आपका, ये जो 9 एलिमेंट है इन्हीं में से कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, तो ये कहलाया जाएगा कोडोमेन। जबकि एक्चुअल में रेंज या आउटपुट आएगा क्या, एक्चुअल में क्या होगा, 1 का 1 2 का 4 और 3 का 9। तो जो एक्चुअल में आपकी रेंज आई है वो क्या आई है, 1 4 और 9, ये कहलाई जाएगी रेंज आउटपुट। जबकि कोडोमेन क्या है, जो आंसर आ सकते थे, आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कुछ भी आ सकता था। तो 9 के 9 एलिमेंट जो है ये कोडोमेन के हैं, जबकि एक्चुअल में 1 4 9 किसके हैं, रेंज के हैं। यहां तक मुझे बात बताओ, फर्क समझ आया सबको? अब सवाल है कि सेट आपको देगा कौन, सवाल में कोई भी दे देगा आपको। कितने सवाल आप ऐसे देखोगे, रैंडमली 5 एलिमेंट लिखे हुए होंगे जिसमें से 3 एलिमेंट आउटपुट होंगे, तो जो 5 एलिमेंट है उनको आप बोलोगे कोडोमेन, और जो एक्चुअल में 3 आ रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे, रेंज बोलोगे। तो दूसरा सेट जो है ना, ये पहला और दूसरा सेट, ये आपको एग्जाम्पल में ही मिलेगा, आपको एग्जाम्पल दे दी जाएगी। अब आपसे पूछेगा इनपुट, तो इनपुट जो यहाँ पे लिखा होगा, फिर आपसे पूछेगा आउटपुट,
जिस पे एरो जा रहे होंगे वो आउटपुट होंगे, और अगर आपसे कोई पूछेगा कोडोमेन क्या है तो दूसरे सेट के सारे एलिमेंट जो है वो कोडोमेन कहलाएंगे। ये फर्क होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज के अंदर। किसी का दिमाग कुछ और अगर सहन में सवाल आ रहा हो या कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप लोग। अच्छा जी, जहां तक आप लोगों को आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे अब, अभी ना मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा आपको, जो पुरानी बात पढ़ी थी ना उसी को हम इन दोनों चीजों में समझ रहे हैं। फंक्शन के कोई दो पॉइंट मुझे स्टूडेंट बता सकते हैं कि जो मैंने दो पॉइंट बताए थे? किसी को पता है फंक्शन के? एक भी बता दो। चलो अगर हम एक इनपुट पुट करेंगे तो एक ही आउटपुट मिलेगा। एक्सेलेंट भाई, बिल्कुल सही बताया। दूसरा पॉइंट आता है आपको, या अगर किसी और को आता है वो बता दो। अगर एक से ज्यादा आउटपुट मिले तो फिर वो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं। नहीं, वो तो सही बात है, वो तो रिलेशन की बात तुम कर रहे हो ना। फंक्शन के अंदर भी दो पॉइंट थे, दो शर्त थी। एक तो शर्त ये थी कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट आना चाहिए, और दूसरी शर्त भी थी। एक इनपुट से ज्यादा आपके पास आंसर आ सकते। नहीं, वो तो रिलेशन हो जाएगा। फंक्शन के अंदर मैंने बोला था कि एक एक इनपुट इनपुट का, का एक आंसर आता, ये एक तो से कम बता दिया ना। आंसर नहीं आता। हाँ, ये अच्छी बात है, सही बात है। असल में वैसे पॉइंट एक ही है, अगर आप सिर्फ ये बात बोलो ना एक इनपुट का एक ही आउटपुट आना चाहिए तो ये बात इसमें कवर होगी है। मैंने बस इसको समझाने के लिए दूसरा पॉइंट बनाया है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला है कि हर इनपुट का आउटपुट आना चाहिए, जो भी आप पुट कर रहे हो ना आपको आउटपुट मिलना चाहिए। जैसे इस फंक्शन की मैंने एग्जाम्पल दी थी, इसमें अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा इसके अंदर। हाँ, मैं अगर 0 को निकाल दूं, अब इसके अलावा 0 के अलावा कुछ भी पुट करो तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, तो ये फंक्शन कहलाया जाएगा। तो एक इनपुट अगर आप कर रहे हो ना तो आपको आउटपुट भी एक ही मिलना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। ये सिंपल डेफिनेशन होती है फंक्शन की। अब अगर आपने फंक्शन पहचानना है तो फंक्शन कैसे पहचानोगे? अगर ये वाली फॉर्म दी हुई है आपको, या आपको ये वाली फॉर्म दी हुई है और आपको बोला हुआ कि बताओ क्या ये फंक्शन है या नहीं, कैसे बताओ कि जरा देख लेते हैं। इस वाली फॉर्म में ना आपने पहले इस फॉर्म को समझ लेते हैं कि बिल्कुल अगर ये चीज लिखी हुई हो और मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, 3 से 1 एरो जा रहा है 9 पे और 3 से 1 एरो जा रहा है 6 के ऊपर, मुझे बताओ अब ये फंक्शन क्यों नहीं है? थ्री से एक एरो जा रहा क्योंकि है एक सिक्स पे, इनपुट का इनपुट 3 के कितने फंक्शन के इनपुट हैं? दो थ्री के, आउटपुट। हाँ 3 के 2 इनपुट, 2 आउटपुट आपको नजर आ रहे हैं। 3 का 1 आउटपुट 6 है, 3 का 1 आउटपुट 9 है, तो ये तो फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा इसको, जैसा आप रिलेशन बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे किसी एक इनपुट के 2 आउटपुट आपको नजर आ रहे हैं। तो ये वाली पॉइंट भी आपने देख लिया, बिल्कुल सही। और अगर आप कहीं देखो इस तरह, अब बताना मुझे कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये मैंने एरो का हटा दिया, मुझे बताओ अभी क्या फंक्शन है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनपुट का आउटपुट जरूर मिलता है। हाँ, ये जो इनपुट का सेट होता है ना, इसमें कोई एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए, ये आउटपुट के सेट में फारिग हो सकता है। जैसे कितने एलिमेंट फारिग पड़े हैं, क्योंकि वो कोड डोमेन है ना, वो फारिग हो सकते हैं। इनपुट के सेट में कोई एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनपुट के सेट में कोई एलिमेंट फारिग है इसका मतलब ये कि उसका आउटपुट कोई नहीं है, क्योंकि अगर उसका आउटपुट होता तो इस सेट के अंदर मौजूद होता, तो इसका मतलब 2 का कोई आउटपुट ही नहीं है, दैट्स व्हाई आपने एरो नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये जो इनपुट के होते हैं ना, अगर इनके सारे जो इनपुट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन सबसे एरो जाने चाहिए, क्योंकि उनके आउटपुट लाजमी होने चाहिए इस सेट के अंदर, और वो लिखे हुए होंगे। अगर उनका कोई आउटपुट होगा तो वो सेट के अंदर लिखा हुआ होगा। तो अगर एरो नहीं लगाया हुआ इसका मतलब इसका कोई भी इनपुट, सॉरी, कोई भी आउटपुट नहीं है। जैसे अगर आप 0 को निकाल दो तो आप यहाँ पे सब एलिमेंट के आपको इनपुट नजर आ रहे होंगे, कुछ भी आप पुट करोगे उनके एरो आउटपुट में जा रहे होंगे, लेकिन 0 पुट करोगे इनपुट की जगह तो उसका एरो कहीं भी नहीं जा रहा होगा, क्योंकि 0 का आउटपुट ही नहीं है। तो वही बात है, यहाँ पे देखो 2 का कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। तो मैपिंग डायग्राम के अंदर दो बातें आपने देखनी होती हैं, एक कि एक इनपुट से 2 एरो नहीं जाने चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात कि इनपुट में कोई भी एलिमेंट फारिग ना हो। ये दो बातें अगर आप देख लोगे तो आप आसानी से पहचान सकोगे कि क्या फंक्शन है और क्या फंक्शन नहीं है। अच्छा, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं एक एरो को मिटा रहा हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल 2 को मैं 4 से कर देता हूँ, और कंसीडर कर लो अभी मैं इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं रैंडमली कोई मैपिंग डायग्राम आपको दे रहा हूँ,
और टू से एक एरो फोर पे जा रहा है, और टू से एक एरो, नहीं ये नहीं करना, ये जो वन का एरो है ना ये मैं मिटा रहा हूँ, और वन का एरो मिटा के मैं इसको लगा रहा हूँ फोर के ऊपर। तो अब टू से भी फोर पे जा रहा है, वन से भी फोर पे जा रहा है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि अब ये फंक्शन है या नहीं? तो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं तो है फंक्शन, अच्छी बात है। कोई है यहाँ पे जो कह रहा है कि फंक्शन नहीं है? भाई ये फंक्शन है। जरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक इनपुट के, इसको इस तरह समझो कि ये चीज अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक इनपुट के दो आउटपुट, ये अलाउड नहीं है, लेकिन ये चीज अलाउड है। इसका क्या मतलब है, दो इनपुट के सेम ही आउटपुट, ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि दो इनपुट के आपको सेम ही आउटपुट मिल रहा हो, अलाउड है बिल्कुल, लेकिन एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए, ये अलाउड नहीं है। जैसे आप इसको देखो, इसको मैंने फंक्शन बोला था, हालांकि अगर आप इसके अंदर टू पुट करो तब भी आंसर फोर मिलेगा, आप -2 पुट करो तब भी आंसर फोर मिलेगा। इसका मतलब टू और -2 का सेम ही आउटपुट है फोर, ये कोई इशू नहीं है, ये फंक्शन ही कहलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक इनपुट के दो आउटपुट हो, ये फंक्शन नहीं होता। तो अगर आप इसमें देखो, वन का आउटपुट भी फोर है, टू का आउटपुट भी फोर है, अलाउड है फंक्शन के अंदर, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या चीज है, ये फंक्शन ही कहलाया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को बात बतानी चाहिए। अच्छा, अब अगर इस फॉर्म में आ जाए तो कैसे पहचानोगे? बहुत इजी तरीका है। इस फॉर्म में अगर आपके पास आया हुआ हो ना, तो जरा ऑब्जर्व करना कि जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहला एलिमेंट को रिपीट कर लूँ, यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे टू आ रहा है, यहाँ पे थ्री, मैं इधर थ्री की जगह टू लिख दूं, अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टू का आउटपुट फोर भी है, टू का आउटपुट नाइन भी है, टू के दो आउटपुट बन गए, एक फोर और एक नाइन, ये फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। तो इस फॉर्म में आपने देखना है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट रिपीट हो गया तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। दूसरा एलिमेंट रिपीट हो सकता है, जैसे यहाँ पे टू का भी फोर हो, थ्री का भी फोर हो, कोई मसला नहीं है। वो ये वाली सिचुएशन बनेगी कि टू का आउटपुट भी फोर है, थ्री का आउटपुट भी फोर है, मतलब दोनों इनपुट के सेम आउटपुट है, अलाउड है, लेकिन पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना वो फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। तो बच्चों, हमने फंक्शन सीख भी लिया, फंक्शन क्या होता है, हमने डोमेन रेंज के बारे में देख लिया, हमने कोडोमेन भी समझ लिया, हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरह करना है हमने वो भी समझ लिया, इन फॉर्म में हमें पहचानना कैसे है कि फंक्शन है या नहीं है ये भी हमने देख लिया। तो फंक्शन की काफी बेसिक बातें हमने सीख ली है। बस आखिरी बात नोटेशन है, एक तो ये वाली नोटेशन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई भी है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये जो एफ है ना, ये फंक्शन का नाम होता है, ये मत समझो कि फंक्शन की एब्रीवेशन है तो इसलिए एफ लिखा हुआ है, नहीं, ये फंक्शन का नाम है। कहीं आप इस तरह भी देखोगे, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो ये एफ का मतलब ये नहीं समझना कि फंक्शन का एफ लिया हुआ है आपने, नहीं, ये फंक्शन का नाम होता है। नॉर्मली फंक्शन का नाम एफ हम लेते हैं, या नॉर्मली जी लेते हैं, या नॉर्मली एच लेते हैं, ये तीन नाम है जो फंक्शन के काफी मशहूर आपको दिए हुए, बुक में भी डिस्कस हुआ है। ओवरऑल आप कोई भी बुक उठाओ, उसमें नॉर्मली अगर तीन फंक्शन की बात करनी है ना, तो एक का नाम एफ दिया जाता है, एक का नाम जी, एक का नाम एच दिया जाता है। हालांकि पी क्यू आर भी दिया जा सकता था, ए बी सी भी दिया जा सकता था, लेकिन एक कन्वेंशन जो यूज होती है कि एफ जी एच, ये फंक्शन का नाम होता है। ठीक है, ये चीज जो है ये इनडिपेंडेंट होता है, मतलब जो इनपुट आप कर रहे हो, और ये चीज जो है ये आपका आउटपुट होता है जो आपको रेंज मिल रही है। तो एक तो नोटेशन ये भी होती है, और एक इस तरह भी लिखा जाता है कि फंक्शन का नाम और उसके आगे इस तरह लिखा जाएगा, फंक्शन का नाम लिखा होगा, फिर दरमियान में कॉलन लगाए होंगे, फिर यहाँ पे एक्स लिखा होगा, दरमियान में एरो, फिर यहाँ पे वाई लिखा होगा। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये जो पहली चीज है ये रिप्रेजेंट करेगा इनपुट के सेट को, तो यहाँ पे इनपुट का सेट क्या है, एक्स, और दूसरी चीज जो है ये रिप्रेजेंट करेगी आउटपुट के सेट को, या सिंपल लैंग्वेज में कोडोमेन के सेट को जो है। तो अगर बिलफर्ज अगर आपके सामने ये चीज दिखी भी हो एफ ऑफ, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका इनपुट क्या है यहाँ पे, नेचुरल भाई, और ये चीज क्या है, नंबर, मतलब ये क्या कराया जाएगा, आउटपुट। अगर आपने करेक्ट ओके। जुमला बोलना है तो आप बोलोगे कोडोमेन, दूसरा सेट हमेशा कोडोमेन ही होता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उसको आउटपुट बोल देते हैं क्योंकि उसी सेट में से आउटपुट मिल रहा होता है आपको, लेकिन करेक्ट जुमला जो है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो पहली चीज आपको रिप्रेजेंट करती है डोमेन को, और दूसरी चीज रिप्रेजेंट करती है कोडोमेन को। अगर एक्चुअल में आप देखो, नॉर्मली आप फिर डोमेन रेंज बोल देते हो उसको, कि पहला डोमेन दूसरा रेंज, कोई इशू नहीं है, बोल सकते हो उसमें भी।
अच्छा कहीं अगर आपको फंक्शन इस तरह दिया जाए ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको बोला जाए कि ये चीज मालूम करो एफ ऑफ टू, तो इसका मतलब ये कि वो कहना चाह रहे हैं कि एक्स की जगह पे टू पुट करो, तो आप यहाँ पे एक्स की जगह पे टू पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर मतलब फोर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ ऑफ टू का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह पे टू पुट करो, या बिलफर्ज अगर यहाँ पे आ जाए एफ ऑफ पाई, उसका मतलब क्या है, एक्स की जगह पे आप पाई पुट कर दो। ये जो ये चीज है ना, ये इनपुट को रिप्रेजेंट करती है, मैंने अभी बताया था। ये चीज जो एक्स जो है ना, ये तो बस एक वेरिएबल है ना, असल ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इनपुट को कर रहा है। यहाँ पे जो भी चीज होगी वो इनपुट होगी। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए एफ ऑफ पाए, इसका मतलब वो आपको बताना चाह रहे हैं कि पाए पुट करो इसके अंदर, तो जब आप यहाँ पे एक्स की जगह पे पाए पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाए का स्क्वायर। और पाए का स्क्वायर देख लेना क्या आ रहा होगा, नाइन समथिंग कुछ आ रहा होगा। तो ये नोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो टाइप्स ऑफ फंक्शन का होता है। फंक्शन तो आपने देख लिए, लेकिन बहुत किस्म के फंक्शंस हैं। फंक्शन तो एक बेसिक है ना कि एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, अब बहुत किस्म के फंक्शंस आपके सामने होते हैं। अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूँ ना, तो एक फंक्शन होता है जिसको आप कहते हो अलजबरिक फंक्शन, ठीक है, और एक होता है जिसको आप बोलते हो ट्रांसेंडेंटल, एक होता है ट्रांसेंडेंट फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, और एक होते हैं अलजबरिक। अलजबरिक कौन से होते हैं, जो आपने देखे में, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, इस टाइप के जितने फंक्शन होते हैं ना, इनको आप अलजबरिक बोलते हो। प्रॉपर अलजबरिक की डेफिनेशन होती है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रहा, मैं आप लोगों को बेसिक सी बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ज्यादातर आप लोगों को भी ट्रिग्नोमेट्रिक का ही पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इसके अलावा आप लोगों को क्या पता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर किसी को पता है, बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह मौका मिला, या शायद सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग आता है, लॉग हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं। तो जिनमें जो एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता सिंपल लैंग्वेज में, तो उन बाकी फंक्शन को आप कहते हो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो एक तो मेजरली आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। और एक क्लासिफिकेशन होती है जो आप डोमेन रेंज के हिसाब से करते हो। अब वो डोमेन रेंज के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या होती है, वो आप लोगों की बुक में डिस्कस हुई है, वही मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो उसमें से जो पहला फंक्शन है ना, उसको आप कहते हो वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन एक फंक्शन की टाइप होती है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, बुक में तो इसकी डेफिनेशन गिवन है, मैं बस आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा। बुक में क्या लिखी हुई है उन्होंने, कि आप फंक्शन इज वन टू वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट वाई। शायद समझ ना आई हो आप लोगों को, मैं बता देता हूं कि किसी भी फंक्शन को आप वन टू वन उस वक्त बोलोगे जब इनपुट, डिफरेंट इनपुट के डिफरेंट आउटपुट होने चाहिए। जैसे अभी आपने पहले देखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो वन टू वन फंक्शन नहीं है, फंक्शन है लेकिन वन टू वन नहीं है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट इनपुट के सेम आउटपुट मिल रहे होते हैं आपको, जैसे टू और माइनस टू का सेम आउटपुट मिल रहा है फोर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन बताया है, इसके अंदर आप टू पुट करो या माइनस टू पुट करो, आउटपुट आपको फोर ही मिल रहा है। तो डिफरेंट इनपुट के डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल रहे आपको, सेम आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिसमें आप डिफरेंट पुट करो आउटपुट भी डिफरेंट मिले, उन फंक्शन को आप बोलते हो वन टू वन फंक्शन। मैपिंग डायग्राम में कैसे नजर आते हैं, ये पहला सेट हो गया इनपुट का, दूसरा सेट हो गया आउटपुट का। मैं रेंडमली पुट कर रहा हूँ, ये किसी फंक्शन को जहन में मैंने रखा हुआ नहीं है, रेंडमली मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बातें क्लियर हो जाए। क्या आपने वन पुट किया, आंसर मिला फाइव, आपने टू पुट किया आंसर मिला टेन, आपने थ्री पुट किया आंसर मिला ट्वेल्व, आपने फोर पुट किया आंसर मिला नाइन। आप यहां पे ऑब्जर्व करो, जो इनपुट डिफरेंट है उनके आउटपुट भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि दो इनपुट के सेम आउटपुट आपको मिल रहे हो। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन कर लेते, तो वन का कंसिडर कर लो फाइव है, टू का फाइव है, थ्री का सिक्स है, फोर का सेवन है। ये जो है ये वन टू वन नहीं है, क्यों, ये दो डिफरेंट इनपुट है लेकिन आउटपुट सेम ही मिल रहा है आपको, ये वन टू वन नहीं कहलाया जाएगा। डिफरेंट इनपुट के आउटपुट भी डिफरेंट होने चाहिए, आउटपुट रिपीट ना करे, तो उस फंक्शन को आप बोलोगे वन टू वन फंक्शन। ठीक है, और इसका एक और नाम भी बुक में डिस्कस हुआ हुआ है, इंजेक्टिव फंक्शन। इसको इंजेक्टिव भी आप बोल सकते हो या वन टू वन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, वैसे हल्का फुल्का फर्क होता है इसके अंदर, लेकिन फर्क मैं बताना नहीं चाह रहा, बुक ने भी डिस्कस नहीं किया, वो बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये समझ लो कि वन टू वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन एक ही चीज होती है, यही डिफाइन किया बुक ने,
यही डिफाइन किया हुआ गूगल ने, तो बेहतर है यही समझ लो आप, मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा फंक्शन जो है जो बुक ने डिस्कस किया हुआ वो है ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन ये होता है, जैसे अभी आपने देखा था ना यहाँ पे जो ये कोड डोमेन का सेट है इसमें 11 जो है ये फारिग था, हो सकता है मैंने बताया था दूसरे सेट में कोई एलिमेंट अगर फारिग है तो कोई इशू नहीं है, फंक्शन ही कहलाया जाएगा, लेकिन वो फंक्शन तो होगा लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन की शर्त क्या है? ऑन टू ये कहता है कि भाई दूसरा सेट में कोई एलिमेंट फारिग ना हो, अगर दूसरे सेट में कोई एलिमेंट फारिग है तो भाई वो ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू करने के लिए आपको कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं रखना। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 का 5 करते हैं, 2 का 5 करते हैं, 3 का 6 4 का 7। सबसे पहली बात, मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल दिए आपको बताने के लिए कि 1 to 1 और ऑन टू में फर्क होता है। अगर आप इस फंक्शन को देखो ये 1 to 1 नहीं है, क्यों 1 to 1 नहीं है? दो इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है। एक्सेलेंट भाई, 1 और 2 का सेम ही आउटपुट मिल रहा है 5, तो ये 1 to 1 नहीं है लेकिन ये ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि आपको दूसरे सेट में कोई एलिमेंट फारिग नजर नहीं आ रहा, 5 भी आउटपुट है, 6 भी आउटपुट है, 7 भी आउटपुट है, कोई एलिमेंट फारिग नहीं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में मैं ये बोल सकता हूँ कि जब रेंज बराबर हो जाए कोर डोमेन के, मतलब कोर डोमेन के सारे एलिमेंट ही रेंज हो, सारे एलिमेंट ही आउटपुट हो। कोर डोमेन मैंने क्या बताया था कि यहां से आउटपुट आ सकता है, लेकिन अगर सारी एलिमेंट आउटपुट आ जाए तो उस फंक्शन को आप बोलोगे ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे जो कोर डोमेन है उसके अंदर भी 5 6 7 है, जबकि जो आउटपुट है रेंज है उसके अंदर भी 5 6 7 है, तो इस वाले फंक्शन को आप बोलते हो ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और क्या डिस्कस है? ऑन टू फंक्शन, 1 to 1, फिर उन्होंने मिक्सचर किया। वैसे एक इनटू फंक्शन भी होता है। इनटू फंक्शन सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस तरह समझो कि एलिमेंट फारिग होना चाहिए। बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ इसलिए मैं बताना भी नहीं चाह रहा कि बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा, लेकिन एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है इनटू फंक्शन की। ये ऑन टू है ना, इनटू क्या होता है कि एलिमेंट फारिग हो, तो मैं था कोई एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए, ये इनटू फंक्शन है क्योंकि इसमें एलिमेंट फारिग हुआ है, ये सिंपल इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन बुक ने डिस्कस नहीं किया होता इसे छोड़ दो, वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, आखिरी रह गया वो है कॉम्बिनेशन। तीसरा क्या है? जो 1 to 1 भी हो और साथ साथ ऑन टू भी हो, ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो कैसा नजर आएगा? वो ऐसा नजर आएगा। ये ऐसा फंक्शन है कि जिसमें ना एक्स के अंदर कोई एलिमेंट फारिग होगा ना वाई के अंदर कोई एलिमेंट फारिग होगा, दोनों सेट के एलिमेंट बिजी ही रहेंगे। फंक्शन के अंदर ऑलरेडी पहला सेट तो खाली नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे दूसरा सेट भी खाली नहीं होगा। जितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे उतने एलिमेंट ही इसके अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि बैक वक्त दोनों बातें आपने सेटिस्फाई करवानी है। एक बात क्या है कि यार हर इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि ये 1 to 1 है, तो देखो हर इनपुट का डिफरेंट आउटपुट आपको नजर आ रहा है। और साथ साथ आपको ये बात भी सेटिस्फाई करवानी है ऑन टू वाली, मतलब कोई एलिमेंट फारिग ना हो वाई के अंदर, तो देखो कोई एलिमेंट फारिग भी नहीं है, तो इस वाले फंक्शन को आप बोलोगे कि 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। और ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसका एक नाम होता है जिसको आप बोलते हो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इसी तरह ऑन टू का भी एक नाम होता है जिसको आप कहते हो सरजेक्टिव। 1 to 1 को कहते हो इंजेक्टिव और ऑन टू को कहते हो सरजेक्टिव। ये सारे बुक में नाम डिस्कस किए हैं, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आप लोगों को, वरना इसके अंदर बहुत सी बातें जो मैं बता सकता हूँ लेकिन वो फालतू में कंफ्यूज करने वाली बात है। मैं वही बातें बता रहा हूँ जो फिलहाल बुक में आप लोगों की डिस्कस होंगी। 1 to 1 इंजेक्टिव कहलाया जाएगा, ऑन टू सर्जेक्टिव कहलाया जाएगा, और अगर 1 to 1 और इनटू दोनों फंक्शन अगर इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको आप बोलोगे बाइजेक्टिव फंक्शन। एक पॉइंट है जो बुक में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है 1 to 1 फंक्शन के अंदर, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं मैं, कि आपको पता है चलाना हो कि अगर कोई फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, तो कैसे पता चलाओगे? इक्वेशन के जरिए से। तो मैं दो फंक्शन की बात करता हूँ, एक को लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक को लेते हैं एक्स क्यूब। ये जो एक्स स्क्वायर है ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था
आप इसके अंदर अगर 2 पुट करो या -2 पुट करो सेम ही आउटपुट मिलेगा, तो 1 to 1 तो नहीं हो सकता ना, जबकि ये 1 to 1 है। क्यों? इसके अंदर आप डिफरेंट इनपुट करोगे डिफरेंट मिलेगा आपको। आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। आप यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -2 का क्यूब होगा -8। तो यहाँ पे डिफरेंट इनपुट के डिफरेंट आउटपुट है, तो ये 1 to 1 है। लेकिन इक्वेशन के जरिए से कैसे हम सेटिस्फाई करें कि 1 to 1 और 1 to 1 ना हो? इक्वेशन के जरिए से कैसे पता चलेगा? सिंपल, बुक ने एक मेथड डिस्कस किया हुआ है, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, सबसे पहले जो फंक्शन है ना उसके अंदर x1 पुट करो। यहाँ x की जगह पे जब आप x1 पुट करोगे तो यहाँ पे भी x की जगह पे आपको x1 पुट करना पड़ेगा। फिर आप इसके अंदर x2 पुट करो तो यहाँ पे भी x2 पुट करना पड़ेगा। पहले आपने x की जगह पे, क्योंकि मैंने बताया x इनपुट है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो मैं पहले x की जगह पे x1 पुट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी x1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर। और इधर मैं अब x की जगह पे x2 पुट करना चाह रहा हूँ। आप कुछ और भी ले सकते हो, आप यहाँ पे ए बी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगर x2 पुट करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करो, आप इन दोनों फंक्शन को एक साथ रखो। तो हम रखते हैं x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। ये रखने के बाद जो अगली बात है वो मैं भी बता नहीं रहा, क्योंकि इसमें मुझे एक और बात समझानी पड़ेगी। वो अगली बात यहाँ पे देख लेते हैं, किसको भी अगर आपने चेक करना है ना, वही काम करो। आप x1 पुट करो, ये हो जाएगा x1 का क्यूब। आप x2 पुट करो, ये हो जाएगा x2 का क्यूब। और फिर क्या करो, इन दोनों को आपस में बराबर रखो। ये कंडीशन है चेक करने के लिए कि 1 to 1 है नहीं, तो बराबर रखते हैं, ये हो जाएगा x1 का क्यूब x2 का क्यूब। उसके बाद डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि जब आप इन दोनों फंक्शन को आपस में बराबर रखोगे तो फिर x1 और x2 भी आपस में बराबर आना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर आप और x2 इन दोनों फंक्शन को, मतलब f(x1) f(x2), अगर इनको बराबर रखोगे तो फिर आप इनको सॉल्व करोगे ना तो एंड पे आपको x1 और x2 भी बराबर मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये 1 to 1 है कि आपने बराबर रखा f(x1) और f(x2) को, थोड़ा सा सॉल्व किया और एंड पे आपको क्या मिला? x1 = x2। तो ये फंक्शन बुक के मुताबिक क्या है? 1 to 1 फंक्शन है। तो ये बात आप आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हो। जब आपने दोनों फंक्शन को आपस में बराबर रखा तो ये क्या है? x1 का क्यूब = x2 का क्यूब। यार ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी? ये इक्वेशन सेटिस्फाई एक ही सूरत में होगी कि अगर x1 और x2 आपस में बराबर हो। जरा सोचो, कोई ऐसे दो नंबर हैं जिनका आप क्यूब करो वो आपस में बराबर हो? कोई भी दो नंबर नहीं है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 लेते हो और 3 लेते हो, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, और 3 का क्यूब क्या होगा? 27। ये तो आपस में बराबर नहीं है। तो जब दो नंबर के क्यूब आपस में बराबर हैं तो ये एक ही सिचुएशन में बराबर होंगे, तो क्या सिचुएशन होगी? 0 हाँ, 0 भी ले सकते हो, वो बात भी ठीक है। बिल्कुल -2 + 2 1 -और नहीं प्लस नहीं भाई, जो शुरू में स्टूडेंट ने बताया ना 0 और 1, वो बात बिल्कुल ठीक है। इसको जनरलाइज हम बोले कि दोनों नंबर आपस में इक्वल होने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने दो अलग अलग नंबर लिए ना तो उनका क्यूब आपस में बराबर हो ही नहीं सकता। आपने दोनों सेम नंबर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लिया और आपने 2 लिया, इन दोनों के क्यूब आपस में बराबर होंगे। एक स्टूडेंट कह रहा था 2 और -2, गलत बात है। 2 का क्यूब और -2 का क्यूब बराबर नहीं होता। 2 का क्यूब होता है 8 और -2 का क्यूब होता है -8, ये आपस में बराबर तो नहीं है। तो अगर दो नंबर के क्यूब आपस में बराबर है तो एक ही कंडीशन है कि वो दोनों नंबर आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों नंबर बराबर हैं तो ही उनके क्यूब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज कब इक्वल होगी? ये चीज उस वक्त इक्वल होगी जब x1 और x2, वो दोनों नंबर आपस में बराबर होने चाहिए। अगर वो दोनों नंबर बराबर नहीं होंगे तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सही है? तो एंड पे आपने यहां से स्टार्ट किया, इन दोनों को आपस में इक्वल रखा और एंड पे आपके पास क्या आ गया? x1 = x2। ये बात हम यहां पे भी चेक करते हैं। हमने दोनों फंक्शन को इक्वल रखा, यहां पे आ रहा है x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए क्या ये शर्त है कि x1 और x2 आपस में बराबर होने चाहिए? एग्जाम्पल नो सर, देके बताओ क्यों नहीं है। टू और -2 हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या? हाँ, आप दो अलग नंबर लो, ठीक है, एक नंबर लो आप 2, उसका स्क्वायर करो, और एक नंबर लो -2, इन दोनों के स्क्वायर आपस में बराबर हैं। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये शर्त नहीं है कि x1 और x2 आपस में बराबर होना चाहिए, कोई शर्त नहीं है ऐसी, क्योंकि दो नंबर बराबर नहीं है लेकिन उनके स्क्वायर बराबर है। इसी तरह मैं हजारों पॉसिबिलिटी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे -3 कर दो।
तो इस इक्वेशन के लिए कोई शर्त नहीं आ रही कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए, शर्त नहीं है कोई। इक्वल हो जाए फिर भी सही है, और इक्वल ना भी हो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उसका मतलब ये जो है ये वन टू वन नहीं है, जबकि इसके लिए शर्त थी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए कि लाजमी एक्स वन एक्स टू के बराबर होना चाहिए, वरना ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इस तरह भी समझ सकते हो आप, ठीक है। ये तो थोड़े मुश्किल फंक्शन लग रहे हैं ना। सबसे इजी जो वन टू वन फंक्शन होते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन के होते हैं। स्ट्रेट लाइन के मतलब इस टाइप के फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। इसके अंदर आपको बड़ा इजीली पता चल जाता है, आप एक्स की जगह पे एक्स वन पुट करो, यहाँ पे एक्स टू की जगह ये एक्स टू पुट कर दिया, ठीक है। फिर आप दोनों को इक्वल रखो, टू एक्स वन प्लस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स टू प्लस थ्री। थ्री से थ्री कैंसिल, ये हो जाएगा टू एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू। टू से टू कैंसिल, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो आपने दोनों फंक्शन को आपस में इक्वल रखा और रिजल्ट में आपको क्या मिला, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये वन टू वन फंक्शन है। ये बाय द वे स्ट्रेट लाइन का है, बाद में देखेंगे। तो जितनी भी स्ट्रेट लाइन होती है वो वन टू वन ही होती है। तो ये वन टू वन की कंडीशन है जो बुक वालों ने आपसे डिस्कस की दी है। तो ये दूसरा टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन का। टाइप्स ऑफ फंक्शन और भी हैं, लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, ये आपने डोमेन रेंज के हिसाब से डिफाइन की है। बाकी जो है ना वो थोड़ी अलजबरिक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, उस टाइप की टाइप्स हैं। लेकिन ये तीन टाइप जो है ये डिपेंड कर रही है डोमेन रेंज के ऊपर, कि रेंज अगर बराबर हो जाए को डोमेन के, और अगर इनपुट आउटपुट डिफरेंट हो, तो वो सब चीजें होती हैं सारी। कोई सवाल है यहाँ तक पूछ लो, इसको कॉपी कर लो, थोड़ा देखो, कोई मसला है तो पूछ लो। मैं 10-15 मिनट की और क्लास देता हूँ, फिर आप लोगों के पास टाइम है 3 दिन इसको रिवाइज करना सही तरीके से। एक चीज बताना भूल गए, जो फंक्शन का पोर्शन है, मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर में इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी है, यूनिवर्सिटी से पहले यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो मुंह उठा के तो नहीं चले जाओगे ना कि मुझे एडमिशन दे दें, एक टेस्ट आपको देना पड़ता है। वो टेस्ट जो है उसमें ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले जब बुक चेंज नहीं हुई थी ना, तो नॉर्मली जो फंक्शन का पोर्शन था वो सेकंड ईयर के अंदर होता था, तो टीचर्स फंक्शन का पोर्शन डिटेल में नहीं पढ़ाते थे। ये जो होता है ना वो मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों अपनी तरफ सिचुएशन नहीं बना रहा, क्योंकि हमने भी इंटर किया है, हमें भी पता है, आइडिया पता चलता रहता है। ये फंक्शन का पोर्शन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं पढ़ाया जाता था, इसको ई कैट में पढ़ाते थे, क्योंकि अगर अभी हर चीज बता देंगे तो बच्चा फिर ई कैट मतलब वो जो एंट्री टेस्ट की तैयारी तो नहीं करेगा ना, पैसे भरवा नहीं मिलेंगे सेंटर्स को, तो वो इस इन टॉपिक्स को और इन जैसे बहुत से टॉपिक हैं इनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्किप करवा दिया जाता था, ताकि फिर उसको अलग से हम पैसे लेके वो जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी के वक्त हम ये बताएंगे, ठीक है। तो बताना मैं आप लोगों को ये भूल गया कि इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों के एंट्री टेस्ट में बढ़ी है, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में ये फंक्शन का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन का पोर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो टाइप्स हैं वो थोड़ी इजी इजी सी हैं, अलजेब्रिक है। हाँ, क्या लिखी है उन्होंने, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है। आई गेस पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। किसी को पता है पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कोई आइडिया? जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। यह तुमने बिल्कुल सही जुमला बोला है, मैं कुछ और सोच रहा था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिल्कुल बच्चे ने सही बात बोली है कि जो पावर्स हैं वो होल होनी चाहिए। इस होल नंबर को ना आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, जो मेरे जहन में वो था नॉन इंटीजर। ये जो एन होना चाहिए ना, ये जो आपको एन नजर आ रहा है, ये नॉन इंटीजर होना चाहिए, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन इंटीजर का मतलब क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर ये एक ही बात है। नॉन नेगेटिव आप उसको बोलते हो जो पॉजिटिव ना हो, मतलब सॉरी जो नेगेटिव ना हो। तो अब जो नेगेटिव ना हो वो क्या होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो जीरो होगा, क्योंकि जीरो नेगेटिव तो नहीं होता। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो भी आ जाएगा और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये पूरा सेट ऑफ होल नंबर बनेगा। सेट ऑफ होल नंबर को आप इस तरह भी बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें जो आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं उनकी जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो कोफिशियंट आपको नजर आ रहे हैं ए एन,
ये जो ए एन माइनस वन ये सब लिखे हुए ना, इनके जो नीचे लिखा हुआ है एन एन माइनस वन, इस पर इतना ध्यान ना दो, क्योंकि कोएफिशिएंट जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं। आप इसको ए बी सी डी करके भी लिख सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता तो हम इस तरह लिख देते हैं। आप सिंपली समझो, ये ए एन माइनस वन, ए वन, ए नॉट, ये जस्ट कोएफिशिएंट है, ठीक है। और ये कोएफिशिएंट सब क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट क्या होंगे? सब रियल नंबर होंगे, ठीक है। वैसे आप रियल नंबर से हटा के कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लेके जा सकते हो, लेकिन अभी बात रियल नंबर की हो रही है तो हम वही एज्यूम करेंगे कि जो कोएफिशिएंट है वो रियल होने चाहिए, जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये जो फंक्शन आपके पास आएगा, इस फंक्शन को आप बोलोगे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जरा हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल, इसको नॉर्मली पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फंक्शन का नाम हम पी देते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, तो उसका हमने नाम दिया हुआ है पी। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने अगर ये लिखता हूँ 3x+4, या मैं लिखता हूँ 3x² + 4x + 5, या मैं लिखता हूँ 3x³+4x² - 5x+2, ये करते हैं, तो ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? अगर आप इसमें देखो, कोएफिशिएंट सबके रियल हैं और जो वेरिएबल्स की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव है या जीरो है। जैसे इसमें देखो, वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें 2 है, फिर 1 है, इसमें 3 है, 2 है, 1 है, तो सारी या तो पॉजिटिव पावर है या जीरो है। जीरो पावर कहाँ पे होती है? कॉन्स्टेंट के साथ। आप इस तरह लिख सकते हो ना, कॉन्स्टेंट के साथ आपको वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, तो एज्यूम करो उस वेरिएबल की पावर 0 है। एक्स की पावर 0 1 ही होता है, किसी भी चीज की पावर 0 आंसर 1 ही आता है। और जीरो की पावर 0 ना हो तो मसला हो जाएगा। जीरो की पावर 0 का आंसर 1 नहीं आता, बाकी किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 लोगे तो आंसर 1 आ रहा होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो कॉन्स्टेंट के साथ ये चीज लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिखो। तो सारे जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन बिलफर्ज अगर मैं कहीं इस तरह कर दूं, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो नेगेटिव हो गई है, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह बिलफर्ज, मैं इस पावर में यहां पे मैं लिख देता हूं x^(1/2). अब है तो ये पॉजिटिव ही, लेकिन इंटीजर नहीं है। शर्त क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। सबसे पहली बात, नेगेटिव ना हो, और दूसरी बात इंटीजर हो। 1/2 इंटीजर तो नहीं होता ना, 1/2 तो रैशनल नंबर है, इंटीजर में तो फ्रैक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नकल में काफी बातें आप लोगों ने देख ली है पॉलिनोमियल से रिलेटेड। इसी तरह अगर कहीं इस तरह लिखा जाता 5/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल नीचे है तो जब वो ऊपर आएगा उसकी पावर क्या होगी? -1 हो जाएगी, तभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, सही है। तो ये पॉलिनोमियल हमने क्लियर कर दिया। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शन होते हैं। बुक ने कितने डिस्कस किए हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, बस उन्होंने दो ही डिस्कस किए हैं। तो ये दो फंक्शन होते हैं। ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल है, लेकिन आप इसको बोलोगे लीनियर फंक्शन। अच्छा, इसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको आप बोलोगे क्यूबिक फंक्शन। इसके बाद एक और फंक्शन भी होता है, क्वार्टिक फंक्शन कहते हैं उसको, लेकिन छोड़ दो, बुक में डिस्कस नहीं है। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर बता। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ये जो एन है ना, इसको आप बोलते हो डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो ना, उसको आप डिग्री कहते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर एन है ना, तो एन क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्यूब है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है। मैक्सिमम पावर क्या है इसकी? 1 है, तो डिग्री हम बोल रहे होते हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? लीनियर फंक्शन। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको आप क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, उसको आप क्या बोलोगे? क्यूबिक फंक्शन। तो बुक ने आपके लीनियर और क्वाड्रेटिक डिस्कस किए हैं, क्यूबिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो, क्यूबिक फंक्शन आप कहोगे। और उसके बाद अगर डिग्री 4 हो, तो एक और नाम होता है, वो बुक में डिस्कस नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, क्वार्टिक, या इसका एक और नाम भी है बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये उस वक्त होता है जब डिग्री 4 हो। तो बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज है, नोट कर लो। और एक आखिरी फंक्शन है जो आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, वो है एक और फंक्शन जो डिस्कस किया हुआ है, वो है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, यहां पे मुझे बताते हुए खुशी होगी, क्योंकि जो मैंने बात आप लोगों को बहुत पहले बताई थी ना, उसका जवाब आप लोगों को अब मिलेगा।
जो स्क्वायर रूट फंक्शन है इसकी जनरल फॉर्म ये होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। आपने देखा मैं, ये फंक्शन जो है कहलाता है स्क्वायर रूट एक्स, जिसमें शर्त क्या है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे एक्स कुछ पॉजिटिव पुट करो या बेशक आप एक्स जीरो पुट कर दो, नेगेटिव आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है अगर आप नेगेटिव पुट करोगे तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। हम अभी रियल के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, वरना फिर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। तो एक्स यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, मैं पूछता हूँ जरा, अभी देखता हूँ कितने हैं, तीन बच्चे हैं ना, जरा बताओ रूट फोर का आंसर क्या होता है। टू मैंने बताया था, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए हो तुम लोग, मैंने बताया था टू, जबकि नॉर्मली इसको इस तरह लिखा जाता है प्लस माइनस टू। ये नॉर्मली मैं क्यों कह रहा हूँ, टीचर से मिस्टेक कर रहे होते हैं, मैं टीचर की बुराइयां नहीं कर रहा होता, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा था मैं वही बातें कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब इधर आया हूँ ना, तो मैं 5 साल ना अपनी जिंदगी मैथ में लगा कर आया हूँ। वैसे आप लोगों को मोटिवेशन के तौर पर बता रहा हूँ कि मैं बाकी हर मामले में मिल हूँ पूरा, मुझे लोगों से मिलना नहीं आता। अच्छा, मेरे अंदर नॉलेज नहीं है बाकी चीजों की, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी रखी हुई है लेकिन मुझे गाड़ी की नॉलेज ही नहीं है कि यार अगर एक्सल खराब हो रहा है तो किस तरह ठीक करवाना है, या फिर फर्ज कोई चीज खराब हो रही है तो कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं पता। बाइक रखी हुई है, बाइक की इतनी खास नॉलेज नहीं है, दुनिया में जो चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि 5 साल मैंने लगाए मैथ के ऊपर बस, अपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से लेके आज तक 5 साल तकरीबन बनेंगे। 2016 में मैं इंटर किया था ना, तो इंटर के बाद ही समझ लो तकरीबन, तो 5-6 साल बनेंगे अभी तक मैं मैथ ही पढ़ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं जब इस फील्ड में आया हूँ ना, तो मैं काफी पढ़ कर आया हूँ। नॉर्मली जो होता है ना वो ये होता है कि टीचर्स आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, सीखते 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 30, 35, 40 साल में जाके वो मैथ अच्छी खासी सीख लेते हैं, क्योंकि शुरू में वो पूरा टाइम लगाते नहीं है, वो साइड पे टीचिंग को उन्होंने साइड जॉब रखी हुई होती है। मेरी ये फुल जॉब है, मैं यही करता रहता हूँ यहाँ पे। तो मैं जब आया हूँ ना, तो मैं सही पढ़ पढ़ा कर आया हूँ, तो मैं अगर बेइज्जती अगर किसी की नहीं करता, मैं वैसे आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्मली मार्केट में, मैं यकीन मानो यूट्यूब पे मैं आज वीडियो देख रहा था, वैसे क्योंकि मुझे सब चैनल्स के बारे में होता है कि मुझे पता चले कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, नॉलेज रहती है उसकी, क्योंकि फिर मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, उस पीडीएफ में मैंने सब यूट्यूब चैनल ना उनको जमा किया हुआ है। तो अगर फिजिक्स से रिलेटेड आपको चैनल चाहिए तो वो वहां पे है, केमिस्ट्री से रिलेटेड चाहिए वो सब वहां पे। तो ऐसे भी मुझे एक टीचर मिले थे यूट्यूब पे जिन्होंने ये बात बोली थी, और वो बात में खाल में आप लोग सही जवाब दे सकते हैं मुझे। वो बात ये थी कि अगर मैट्रिसेस, मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, मैट्रिसेस की जब दो रॉस को हम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है क्या? नो तो कब माइनस साइन आता है? डिटरमिनेंट की रोज ये फर्स्ट ईयर का बच्चा बता रहा है। और वो जो टीचर हैं उन्होंने हरकत क्या की, उन्होंने मैट्रिसेस की रॉ को जब इंटरचेंज किया, वो जो टॉपिक था ना इक्लॉन फॉर्म का, मैंने बोला था कि अगर कोई रॉ आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हो तो आप लेके जा सकते हो, आप अलाउड हो, किसी भी रॉ को ऊपर ले जाओ किसी को नीचे ले आओ, इंटरचेंज कर लो, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या किया था, उनके पास तीन रॉ थी, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले इस रॉ 3 को ना मेरे ख्याल में ऊपर लेके आना चाह रहे थे, तो उन्होंने पता है कॉन्सेप्ट क्या लगाया, उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं इंटरचेंज करता हूँ R2 और R3 को, ये करता हूँ तो माइनस साइन आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं R3 को और R1 को इंटरचेंज करता हूँ, तो R3 ऊपर आ जाएगी और दोबारा माइनस साइन आएगा, जो इससे मल्टीप्लाई के पॉजिटिव हो जाएगा। उन्होंने इस तरह ऊपर लेके गए। अब इतना बड़ा भंड है, इतना बड़ा भंड है कि जो एक टीचिंग में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते। ये कोई मिस्टेक जान, मतलब कोई बेध्यानी में नहीं होगी, ये आपका कॉन्सेप्ट ही खराब है पूरा। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने मैट्रिसेस के अंदर बताया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप लोगों को मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब भी किसी फील्ड में आओ, कोशिश करो उसी फील्ड के मास्टर बन जाओ। एक छोटी सी लाइफ में 60-70 साल की आपकी जिंदगी होती है, कराची में तो मेरे ख्याल में 30-35 साल की है, आजकल तो वैसे ही आप मर रहे होते हो, कहीं भी मार देंगे आपको। तो ये छोटी सी जिंदगी जो है ना, इसमें आप हर चीज के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आपने पकड़नी है एक फील्ड, उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओ आप, कि दुनिया में अगर जरूरत हो किसी को तो वो आपको अप्रोच करें, दुनिया इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कराची में रह रहे हो तो कराची के बहुत बड़े हो, डिपेंड करता है आपकी सोच कितनी बड़ी, अगर आप दुनिया लेवल पे जाना चाह रहे हो तो दुनिया लेवल पे भी जा सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग, किस तरह आप सोच रहे हो। तो एक फील्ड के आपको एक्सपर्ट बनना है, और मैंने वही काम किया। खैर मैं तारीफें नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी आगे बड़े होना है, अपना कैरियर चूज करना है, कोशिश ये करना कि जो चीज कर रहे हो ना पहले ध्यान से चूज करो कि यार मुझे इंटरेस्ट किस चीज में, जिस चीज में इंटरेस्ट है लगा दो अपनी जिंदगी, कि अगर उस चीज में किसी को कोई सर्विसेज चाहिए हो तो वो आपके पास आए, वो जाने के भाई ये बंदा एक्सपर्ट है इस मामले में, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश है, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मेजोरिटी उन्हीं टीचर की भी मैंने गलती देखी थी, और बाकी मेजोरिटी ये गलती मैंने टीचर्स की देखी है
कि वो रूट फोर के आंसर में प्लस माइनस टू लिख रहे होते हैं, बहुत बड़ी गलती है। और यहाँ पे आप ये सीखोगे कि गलती क्यों है, ये वो मौका है जहां पे आपको बात समझ आएगी, क्योंकि आपने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली है। फंक्शन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी कि एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। तो अगर आप बोल रहे हो स्क्वायर रूट फंक्शन और उसके अंदर आप पुट कर रहे हो फोर और आंसर आप लिख रहे हो प्लस माइनस टू, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा फिर। फंक्शन की तो डेफिनेशन ये थी एक इनपुट करो तो आउटपुट एक मिलना चाहिए, तो फिर ये फंक्शन कैसे कहलाया जाएगा, तो कहला ही नहीं सकता। तो दैट्स वाई इसको फंक्शन बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जब आप एक वैल्यू पुट करोगे तो आंसर एक ही आना चाहिए। और कौन सा आंसर हमने रखा हुआ है कि जो पॉजिटिव वाला आंसर है वो हम लेंगे। अब पॉजिटिव क्यों रखा है आपकी मर्जी है, ये जो मैथ में स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि हम पॉजिटिव आंसर लेंगे, अब वही फॉलो होता जा रहा है। आप अपनी तरफ से अगर नेगेटिव लोगे तो मजा नहीं आएगा बात के अंदर, क्योंकि दुनिया में वही चीज चली हुई आ रही है ना। लेकिन ये स्टैंडर्ड अपनी तरफ से फिक्स किया हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है नेगेटिव नहीं लेनी, बस स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लिया हुआ है, अब किसने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लो, बस एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने रीजन देखी होगी कि दो आंसर क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि फंक्शन में आउटपुट एक ही आना चाहिए। तो अगर आपको दुनिया में कोई स्क्वायर रूट फंक्शन चाहिए तो फिर इसका एक ही आंसर हो, दो आंसर पे फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। ये वो रीजन है जिसके तहत जस्ट इसका आंसर प्लस टू लिखा जाता है, माइनस टू नहीं लिखा जाता, क्योंकि आपने इसको फंक्शन बनाना है। तो बहरहाल ये स्क्वायर रूट फंक्शन होता है। बाकी इसका ग्राफ मैं बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ग्राफ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा। ये इसका ग्राफ होता है, तो अगर आप इसको ग्राफ में भी देखो ना, ये ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस से ऊपर ऊपर है, तो जो वाई वैल्यू आपको मिलेगी ना वो पॉजिटिव वाई वैल्यू मिलेगी, कुछ नेगेटिव नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस पे नहीं है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। इसी तरह अगर आप देखो ग्राफ आपका राइट की तरफ है, मतलब आप पॉजिटिव एक्स ही पुट कर सकते हो, नेगेटिव एक्स आप पुट नहीं कर सकते, नेगेटिव एक्स पे आपको ग्राफ नजर ही नहीं आ रहा। तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ नजर आ रहा है, क्योंकि आप इसमें कुछ पॉजिटिव ही पुट कर सकते हो और जो आंसर मिलेगा वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा, दैट्स व्हाई आपको ग्राफ इस तरह नजर आ रहा है।